Hello students, how are you all? Today in this video I'll explain the chapter Discovering Tut, the saga continues. It is written by A.R. Williams. In the previous video I explained the introduction and summary of the chapter. Theek hai? So let's begin with the title of the story, Discovering Tut, the saga continues. Discovering means searching, Tut means short name of Tutankhamun. ठीक है, इजिप्टियन किंग. द सागा, सागा मीन्स लॉन्ग स्टोरी ऑफ इवेंट्स. कंटिन्यू मनी मीन्स जो काफ़ी लंबे टाइम तक क्या रही थी, कंटिन्यू रही थी. सो द स्टोरी इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ तुतनखामन एंड हाउ वॉज इट अ लॉन्ग स्टोरी. ठीक है, ऑफ इवेंट, इन सब के बारे में है. सो नाउ लेट्स बिगिन द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी. He was just a teenager when he died. Means Tutankhamun was just a teenager when he died. In simple we can say King Tutankhamun died in his teens. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. Tutankhamun was the last emperor, was the last successor of a powerful family that ruled Egypt for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. He was laid to rest means he died, and when he died the people buried a lot of gold with him and finally forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922 means the discovery of his tomb was completed in 1922 by a British archaeologist named Howard Carter. यानी Howard Carter जो British archaeologist था, उसने 1922 में तुतनखामन के tomb को discover कर लिया था. The modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Means the modern world has speculated. Modern world ने guess किए हैं about what happened to him, कि क्या हुआ उस राजा को. With murder being the most extreme possibility, and people thought that the most extreme possibility of his death would be murder. Murder हुआ होगा जरूर उसका. Now leaving his tomb for the first time in almost 80 years, यानी almost 80 years के बाद में पहली बार अपने tomb को छोड़ता हुआ, Tut has undergone a CT scan. तुतनखामन को एक सीटी स्कैन से होकर के जाना है. ठीक है, यानी तुतनखामन की बॉडी का क्या होना है, सीटी स्कैन होना है. 80 ईयर्स, 1922 में टूम की डिस्कवरी हुई, 80 ईयर्स के बाद में लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 2003 या 2004 या 2002 कह सकते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट कह रहा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा. दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट इट्स लाइफ एंड डेथ एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फैरो. यानी ये जो सी टी होना है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होनी है, वो ऑफर करेगी उसकी लाइफ और डेथ के बारे में, एंड इट विल प्रोवाइड प्रिसाइज डेटा, प्रिसाइज अकाउंट प्रोवाइड कराएगी किसके लिए, फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए. यानी फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन होता है साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, यानी अपराध का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में है, कि उस बॉयज फैरो के साथ में आखिर क्या हुआ होगा और वो क्यों मर गया था, क्या रीजन था. ठीक है, सी द टाइम व्हेन द मम्मी वॉज कैरीड फ्रॉम इट्स रेस्टिंग प्लेस. जैसे ही मम्मी को उसके रेस्टिंग प्लेस से लाया जा रहा था, हाउ नेचर रिएक्टेड, नेचर ने किस तरीके से रिएक्ट किया गया था. ये तो सिंपल सी बात है कि जब भी हम नेचर के साथ में कोई भी छेड़खानी करते हैं, नेचर रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे, तो नेचर जो है डिफरेंट वे में रिएक्ट करती है, चाहे वो कुछ भी हो. ठीक है, तो देखिए नेचर ने उस टाइम पर किस तरीके से रिएक्ट किया था. एन एंग्री विंड स्टर्ड अप गोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस इन द एंशंट इजिप्टियन सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स. यानी एंग्री विंड स्टार्टअप यानी तेज हवाएं चलने लगी, गोस्टली डस्ट डेविल और धूल के गुबार उड़ने लग गए, जिसे हम ये कहते हैं ना भूत आ गया, भूत आ गया यानी धूल का एक चोर से जो है गोल गोल चक्कर सा जो है
ऊपर की ओर उठता चला जाता है, उसे हम कहते हैं भूत आ गया, भूत आ गया। कुछ इसी तरीके के रिएक्शंस नेचर ने दिखाए। एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जैसे ही तूतन खामन को उसके रेस्टिंग प्लेस से यानी उस टूम में से निकाल करके लाया गया था, जो कहाँ पर दफनाया गया था, इजिप्टियन सिमेट्री में, नॉन एज द वैली ऑफ द किंग्स, जिसे किस नाम से जाना जाता है, वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जाना जाता है। स्टार लगा हुआ है, यू कैन सी इट एट द बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। डार्क वैली क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, डार्क वैली यानी बल्जिंग क्लाउड्स यानी उभरे हुए बादल, हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, स्कडेड यानी मूव्ड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, एंड दे वर वेलिंग, वेलिंग मीन्स कवरिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, यानी ग्रे कलर से, ग्रे कलर के अंदर जो है क्या कर रहे थे, स्टार्स को कवर कर रहे थे, ढक रहे थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, यानी 6 बजे का टाइम था 5 जनवरी 2005। यानी मैंने बताया था ना कि 1922 के बाद में, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स लेटर, यानी लगभग लगभग 80 वर्ष के बाद में, यानी 2005 की बात कर रहा था नरेटर वहाँ भी, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इन टू अ सीटी स्कैनर, ग्लाइडेड हेड यानी मूव्ड हेड फर्स्ट इन टू अ सीटी स्कैनर, ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री, जिसे यहाँ पर लाया गया था क्या करने के लिए, टू एग्जामिन द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्री, पेंडिंग मेडिकल मिस्ट्री ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 ईयर्स अगो, यानी तुतन खामन की डेथ हुई थी लगभग लगभग 3,300 साल पहले, ठीक है। कहानी को समझिए, बैकग्राउंड में जाता हूँ मैं, 3,300 साल पहले तो तुतन खामन की डेथ हो गई, और वो भी मिस्टीरियस डेथ हुई थी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड डेथ हुई थी, पीपल डिड नॉट नो द रीजन ऑफ हिज डेथ, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि लोग स्पेकुलेशन लगाते रहे कि क्या हुआ होगा, जो मॉडर्न पीपल ने स्पेकुलेशन लगाई थी, गैस किया था, वो ये किया था कि मर्डर हुआ होगा, ठीक है, मर्डर की ज़्यादा पॉसिबिलिटी निकल के आई थी। अच्छा, सर्चिंग चलती रही, सर्चिंग चलती रही, तो क्या हुआ था कि 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम था हावर्ड कार्टर, उसने क्या किया था कि उसकी टूम को सर्च कर लिया था, ठीक है, डिस्कवर कर लिया था। अच्छा, आगे कहानी अब देखिए। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इन टू द क्रैम्ड रॉक कट टूम सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, यानी ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम इन टू द क्रैम्ड रॉक कट टूम, मीन्स एक्चुअली द टूम वॉज एस्टेब्लिश अंडरग्राउंड बाई कटिंग अ 26 फीट रॉक, फाइन, एंड ऑल द टूरिस्ट केम टू पे देयर होमैच टू पे देयर रिस्पेक्ट टू दिस बॉयज फैरो तुतन खामन, यानी यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आ रहे थे दुनिया के कोने में से, दुनिया के हर पार्ट्स में से, तो वो लोग क्या कर रहे थे कि अपने छोटे से जो टीन एज में मारा गया था किंग, उसको अपनी श्रद्धांजलि या रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स, दे यानी टूरिस्ट पीपल गेज्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, म्यूरल्स मीन्स पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बेरियल चैम्बर, एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस, एंड दे लुकड एट तुतन खामन्स डेकोरेटेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, मीन्स द मोस्ट वंडरफुल पार्ट ऑफ द ममी ऑफ तुतन खामन वॉच शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, मीन्स वी कैन से द अपर पार्ट ऑफ द ममी, और वी कैन से अपर पार्ट ऑफ अपर एंड आउटर पार्ट ऑफ द कॉफिन। Some visitors read from guidebooks in a whisper. Mean the visitors, those who came, they were reading from guidebooks in slow motion, slow voice. Fine. Others stood silently. और कुछ क्या कर रहे थे? दूसरे चुपचाप से खड़े हुए थे. Perhaps pondering. Perhaps thinking deeply. टट्स अनटाइमली डेथ इन इज लेट टीन्स, यानी टट की जो अनटाइमली डेथ हुई थी उसके लेट टीन्स में, यानी अंतिम टीनेजर की अवस्था में, उसके बारे में सोच रहे थे, और वंडरिंग विद अ शिवर, और वंडरिंग विद अ शिवर यानी थथराहट के साथ क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे, इफ द फेरोज कर्स डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वॉज रियली ट्रू, क्या फेरो का कर्स ऐसे लोगों पर जो उसे क्या करते थे, डिस्टर्ब करते थे, तो या तो उनकी डेथ हो जाती थी या उनका मिसफॉर्च्यून हो जाता था, क्या वाकई में सही था, इसके बारे में सोच रहे थे, ठीक है। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, सर जाही अवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक,
यानी जाही अवास हु वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। जैसे ही उन्होंने बॉडी के ऊपर पहली बार नज़र डाली थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, कि ममी बहुत ज़्यादा बुरी हालात में है, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s। कौन है हावर्ड कार्टर? ये वही हावर्ड कार्टर है जिसने क्या किया था 1922 में तुतनखामन के टूम को डिस्कवर किया था, ठीक है। अच्छा, अब इसने ये कमेंट क्यों किया है कि बैड कंडीशन में थी, उसका मैं रीज़न आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। यानी मम्मी की हालात बहुत ख़राब है, किसकी वजह से? हावर्ड कार्टर की वजह से। अच्छा, स्टेटमेंट किसने बोला? जाही हवास ने बोला। हुए जाही हवास? जाही हवास इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, ठीक है। नेक्स्ट, कार्टर, हावर्ड कार्टर दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। कार्टर, हावर्ड कार्टर, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रैनसेक्ड द कंटेंट्स दैट वॉज बरीड विद द किंग दो हैस्टली रैनसेक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। इफ़ यू टॉक अबाउट द कंटेंट्स दैट वर प्लेस्ड विद द किंग एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, तो अगर आप उनकी बात करते हो ना, दो हैस्टली रैनसेक्ड, हालांकि उनका क्या किया गया था, लूट लिए गए थे इन एंटीक्विटी, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कंप्लीट थे, ठीक है। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, यानी अब तक जितना भी रॉयल कलेक्शन मिला है ना, उसका क्या रहे हैं, एक पार्ट रहे हैं और फेरो के लेजेंड का हिस्सा रहे हैं, ठीक है। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड देयर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रेसरेक्शन, उनकी जो चमक है ना, उनकी जो आभा है ना, उसका मतलब सिर्फ ये होता है, मींस सच काइंड ऑफ आर्ट फैक्ट्स गारंटी फॉर द रेसरेक्शन कॉज अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और इसी रेसरेक्शन की वजह से उसकी डिस्कवरी के टाइम पर एक सनसनी सी फैल गई थी उस टाइम इजिप्ट में, ठीक है। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी दुनिया भर में ये चीज़ें लोगों के अटेंशन को ग्रैब करती हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, यानी जितने भी कलेक्शंस जो पाए गए हैं वो फेरो के लेजेंड का एक पार्ट बन गए। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड देयर एटर्नल ब्रिलियंस, यानी उनकी जो नेवर एंडिंग जो ब्रिलियंस का जो तात्पर्य है वो सिर्फ ये है कि वो पुनरुत्थान की गारंटी देती हैं, और इसी की वजह से जो है उन्होंने क्या क्रिएट कर दी थी, एक सेंसेशन क्रिएट कर दी थी एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, ठीक है। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स, लेकिन तुतनखामन को भी दैनिक यूज की वस्तुओं के साथ में दफनाया गया था। ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, जिनकी उन्हें यानी तुतनखामन को ज़रूरत पड़ेगी अगले जीवन में, नेक्स्ट लाइफ में, बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, दीज वर द थिंग्स दैट प्लेस्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, यू कैन अंडरलाइन दैम। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनरी ट्रेजर कार्टर बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स, यानी महीनों की केयरफुल रिकॉर्डिंग के बाद और उसकी फ्यूनरी ट्रेजर्स को रिकॉर्डिंग के बाद में कार्टर, वही हावर्ड कार्टर है, बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स, यानी उसने तुतनखामन के थ्री लेयर्ड कॉफिन की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड श्राउड अडॉर्न्ड विद गारलैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, जैसे ही उन्होंने फर्स्ट लेयर को खोला तो उन्हें क्या मिला, अ श्राउड अडॉर्न्ड विद द गारलैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। ही फाउंड अ श्राउड, श्राउड होती है कफन जिसे कहते हैं हिंदी में हम, ठीक है, जिसके ऊपर क्या लगी हुई थी, मीन्स द श्राउड वॉज अडॉर्न्ड विद गारलैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, विलो और ऑलिव की पत्तियों से सजा हुआ था, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पीटल्स, ये सारी की सारी फूल हैं, ठीक है, एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बेरियल इन मार्च और अप्रैल, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लावर्स दैट वर प्लेस्ड ऑन द श्राउड ऑफ तुतनखामन दैट गेव द क्लू दैट द बेरियल मस्ट हैव टेकन प्लेस इन द मंथ ऑफ, इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल, यानी इससे ये पता चलता है कि तुतनखामन का जो बेरियल हुआ होगा
वो या तो मार्च या अप्रैल में हुआ होगा, क्योंकि इस तरह के फ्लावर्स केवल मार्च और अप्रैल में ही ग्रो होते हैं। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द मम्मी, जैसे ही फाइनली वो मम्मी तक पहुंच गया था, दो ही रैन इनटू ट्रबल, हालांकि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। द रिचुअल रेजिंस हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन। मैंने पहले बताया था रेजिन, यहाँ पर रेजिन उस गोंद की बात कर रहा है, ठीक है, यानी जो सॉलिड गम था ना, उसने क्या कर दिया था, तो तन खामन की जो बॉडी थी उसको बॉटम से यानी नीचे से उस सॉलिड गोल्ड कॉफिन से मजबूती से जकड़ रखा था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटमेट फोर्स कुड मूव दैम, नो अमाउंट ऑफ जेन्युइन फोर्स कुड मूव दैम, यानी अलग कर ही नहीं सकता था। कार्टर रोट लेटर, बाद में कार्टर ने खुद ने लिखा था व्हाट वाज टू बी डन, कि क्या किया जाता। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, द सन कैन बीट डाउन मीन्स देर वॉज अ लॉट ऑफ हीट एंड द हीट वॉज जस्ट लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, इजिप्ट में बहुत तेजी से सूर्य की किरणें पड़ रही थी, टेम्परेचर खूब हो रखा था। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिंस, हावर्ड कार्टर ट्राइड टू यूज द सन रेज, द सन हीट, सन एनर्जी टू लूज द बॉडी, ठीक है, बॉडी को लूज करने के लिए रेजिन से कार्टर ने इसका यूज किया, फ़ायदा उठाना चाहा। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फारेनहाइट, यानी कार्टर ने तूतनखामन की बॉडी को धूप में रख दिया, मम्मी को धूप में रख दिया, आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फारेनहाइट, यानी धूप की वजह से बॉडी कितनी गर्म हो गई थी, लगभग 149 डिग्री फारेनहाइट तक हीट हो गई थी, ठीक है। नथिंग बस्ट मीन्स नो डिफरेंस वॉज मेड, ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, यानी विद साइंटिफिक सैडनेस कार्टर रिपोर्टेड दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक्स बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, यानी साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ में कार्टर ने लिखा था कि कंसोलिडेटेड मटेरियल को क्या करना पड़ा था, छेने और हथौड़े की मदद से अलग करना पड़ा था, ठीक है, एंड ट्रंक उसके नीचे के जो बीनीथ पार्ट्स थे, एंड ट्रंक यानी कि सिर से नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, यानी चेस्ट से ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं, और चेस्ट से नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, ट्रंक कहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि लिम्ब्स को और ट्रंक को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ा था। इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, यानी राजा के रिमेन्स को निकालने के लिए। इन हिज डिफेंस, यानी अपनी सफाई में, अपने बचाव में, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, चॉइस ही नहीं थी। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, कार्टर रिपोर्ट कर रहा है, कार्टर अपना इन्वेस्टिगेशन करके और अपने आप को डिफेंड कर रहा है, क्या कह रहा है देखिए अपनी सफाई में वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री थीप्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड एंड रिप्ड इट अपार्ट टू मूव द गोल्ड, यानी इफ ही हैडंट कट द मनी फ्री द थीप्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव चीटेड द गार्ड, सर्कमवेंटेड मीन चीटेड द गार्ड और डिसीव्ड द गार्ड एंड रिप्ड इट अपार्ट, और क्या करते थे बॉडी के साथ में चीड़ फाड़ कर देते टू रिमूव द गोल्ड, क्या करने के लिए, गोल्ड को लेने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि तूतनखामन को जब दफनाया गया था तो उसके साथ में बहुत सारा गोल्ड रखा गया था, ठीक है, क्योंकि लोग जो इजिप्ट के उस टाइम तक ये बिलीव करते थे कि जो चीज़ें हम अपने राजा के साथ में दफना रहे हैं उन चीज़ों को हमारा फैरो अगले जन्म में यूज कर लेगा, ठीक है, बस इसी विश्वास की वजह से तूतनखामन के साथ में भी बहुत सारी चीज़ें दफनाई गई थी। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्थी, तूतनखामन के टाइम पर जो राजा महाराजा बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, एंड दे थाट और होप्ड, और वो क्या सोचते थे और क्या उम्मीद करते थे, देखिए दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, कि वो अपनी संपत्ति को अपने साथ में ले जा सकते हैं, फॉर ए जर्नी टू द ग्रेट बियंड, यानी फॉर ए जर्नी टू द नेक्स्ट लाइफ। किंग टट वॉच लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, किंग टट वॉच लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, चमकती हुई चीज़ों के साथ में लेविस कर दिया गया था, प्रेसस कॉलर्स, जिसमें क्या क्या शामिल थे, प्रेसस कॉलर्स थी, इनलेड नेकलेस था, ठीक है, एंड ब्रेसलेट्स थे, रिंग्स थी, एमलेट्स यानी ताबीज वगैरह थे, सेरेमोनियल एप्रन था, सैंडल्स थे, सीथ्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोच, यानी फिंगर और टोच के लिए कवर्स थे, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, यानी आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क थे,
ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुई थी, प्योर गोल्ड की बनी हुई थी। टू सेपरेट थर्ड फ्रॉम इच एडोर्नमेंट्स, यानी तो तैन खामन को उसके एडोर्नमेंट्स से, यानी जो चीज़ें उससे अटैच हो रखी थी सजावट संबंधी, उनसे अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड, कार्टर के आदमी ने क्या कर दिया था, मम्मी से उसके हेड को अलग कर दिया। एंड सीवियर्ड नियरली मीन्स ब्रेक नियरली एवरी मेजर जॉइंट, हर मेजर जॉइंट को अलग अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जैसे उन्होंने सब कुछ अपना पूरा काम कर लिया था, यानी एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन कर लिया था, दे रिजेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, उन्होंने क्या कर दिया, रिजेंबल्ड द रिमेन्स, जो रिमेन्स थे उसके, उनको फिर से उसी तरीके से अटैच कर दिया। ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, सैंड की एक लेयर पर रख करके, इन अ वुडन बॉक्स विद पैडलिंग, वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, यानी पैडिंग एक मैटर है जिसकी हेल्प से उन्होंने सारे के सारे जो बॉडी के पार्ट्स थे, या हम ये कह सकते हैं जो रिमेन्स थे, उनको अटैच कर दिया। ठीक है, दैट कंसील्ड द डैमेज, जिसकी वजह से जो डैमेज उसके आदमियों ने, यानी हावर्ड कार्टर के लोगों ने की थी, उसको क्या कर दिया था, छुपा दिया गया था। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, यानी उस बेड पर लिटा दिया जहाँ पर आज तूतनखामन क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्री ऑफ डेथ। स्टूडेंट्स वंस अगेन सी दिस लाइन, यहाँ से वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड, एक्चुअली मैंने ना गलत प्रोनाउंस कर दिया था, दे रीअसेंबल्ड, ये वर्ड देखिए ये वाला, यानी जैसे ही कार्टर के लोगों ने अपने इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया था, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑफ तूतनखामन्स बॉडी, यानी तूतनखामन की बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्या कर दिया था, रीअसेंबल कर दिया था। ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, किस पर, लेयर ऑफ सैंड पर, इन अ वुडन बॉक्स में रख दिया था, विद पैडिंग, और उसमें क्या लगा दी थी, पैडिंग लगा दिया था। एक्चुअली में एक मैटर है जिसे कहीं पर कोई भी अगर डेंट लग जाता है तो उसको लगा देते हैं, भर देते हैं, यानी भर दिया था, उनको भराव कर दिया। दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे क्या हुआ था कि जो डैमेज उन्होंने बॉडी के अंदर की थी वो छुप गई थी। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, ठीक है, और वहीं पर लिटा दिया जहाँ पर आज तूतनखामन क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। आर्कियोलॉजी है चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स, यानी इंटरवीनिंग डिकेड्स में आर्कियोलॉजी जो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। यानी पहले क्या होता था कि पहले जो आर्कियोलॉजी फोकस करती थी किस पर, ट्रेजर पर, कि क्या ट्रेजर निकला है देखिए, यानी खजाना क्या, कितना है, क्या निकला है, उस पर ज़्यादा फोकस करती थी। लेकिन अब ज़्यादा फोकस किस पर कर रही है, अब जो फोकस ज़्यादा कर रही है वो इस पर कर रही है, ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। मिस्ट्रीज ऑफ डेथ क्या थी, यानी क्या था उसकी डेथ का रीजन। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, यानी आज की तारीख में अगर देखा जाए तो आर्कियोलॉजी जो सोफिस्टिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स टूल्स यूज करती है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है, यानी पहले के टाइम पर ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं यूज होती थी लेकिन आज होती है, यानी इसी भी हम कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी अब इंटरवीनिंग डिकेट्स में क्या हो गई है, चेंज हो गई है। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कब हुई थी कार्टर की डिस्कवरी, 1922 में, ठीक है। सो इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी एन एनाटॉमी प्रोफेसर, यानी एक शरीर रचना के जो प्रोफेसर थे, एक्सरे द ममी, उन्होंने तूतनखामन की बॉडी को क्या किया था, ममी को एक्सरे किया था, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने एक स्टार्टलिंग फैक्ट रिवील किया था। लेट मी अंडरलाइन इट फॉर यू, रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, फैक्ट क्या था देखिए, बीनीथ द रेजिंस दैट केक्स इज चेस्ट, दैट केक्स इज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिप्स वर मिसिंग, यानी उनकी जो ब्रेस्ट बोन्स थी और फ्रंट रिप्स थी वो क्या हो रखी थी, मिसिंग हो रखी थी। दिस वॉज द फैक्ट दैट रिवील्ड बाई अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटर टोमोग्राफी और सीटी,
यानी आज अगर डायग्नोस्टिक इमेजिंग की बात करें तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग को सीटी स्कैन के थ्रू किया जा सकता है, बाई विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर, यानी जिसके थ्रू क्या होता है कि हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज डाली जाती हैं क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, यानी जैसे कि स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हों यानी ब्रेड के टुकड़े हों टू क्रिएट अ थ्री डी वर्चुअल बॉडी, यानी थ्री डी वर्चुअल बॉडी क्रिएट करने के लिए जो है क्या करते हैं हम हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज छोड़ते हैं फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड, ठीक है, जैसे कि रोटी के टुकड़े हों इस तरीके से। वॉट मोर वुड अ सी टी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे, यानी एक्सरे से ज़्यादा सी टी स्कैन और ज़्यादा क्या बताएगा तुतनखामन के बारे में, एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, और क्या ये जो सी टी स्कैन है दो क्वेश्चन के आंसर दे सकता है जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। कौन से थे वो दो क्वेश्चन, देखिए वो ये थे, हाउ डिड ही डाई पहला क्वेश्चन, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, ये थे, ठीक है। किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, यानी तुतनखामन्स डेथ वॉज अ बिग इवेंट, क्यों थी बिग इवेंट, ऑब्वियसली बिग इवेंट थी इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स, वो क्यों थी आंसर देखिए, किंग टट्स डेथ वॉज अ बिग इवेंट बिकॉज ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, यानी ही वॉज द लास्ट एयर ऑफ हिज पावरफुल फैमिली, ठीक है, एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी, ठीक है, उसकी फ्यूनरल क्या थी किसी भी डायनेस्टी की डेथ रैटल थी, ठीक है, बट द पार्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर माथ आर अनक्लियर, यानी जितने भी पार्टिकुलर्स हैं उसकी डेथ के वो कैसे हैं और उसके बाद वाली चीज़ों के अनक्लियर हैं, ठीक है। अमेनोटेप थर्ड टट्स फादर और ग्रैंडफादर वॉज अ पावरफुल फैरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डिकेट्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, यानी अमेनोटेप थर्ड जो टट के फादर या ग्रैंड फादर थे वो जो पावरफुल फैरो एक पावरफुल किंग थे हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डिकेट्स, जिन्होंने लगभग लगभग 40 साल तक शासन किया था, फोर डिकेट्स यानी वन डिकेट्स डज हैव 10 ईयर्स, ठीक है, तो फोर में कितने 40 ईयर्स हो गए, एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, यानी 18th डायनेस्टी के स्वर्ण काल तक उन्होंने 40 साल तक शासन किया था, हिज सन अमेनोटेप फोर्थ सक्सीडेड हिम, अमेनोटेप फोर्थ ने उन्हें क्या किया सक्सीड किया था, यानी अमेनोटेप फोर्थ उनके बाद में राजा बना था, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट, और इजिप्ट के इतिहास में एक नए और स्ट्रेंज से पीरियड की शुरुआत की थी। इट्स एनफ फॉर द डे, थैंक यू।